आशीष साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। आशीष साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अत्याचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशीष साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे तरफ से यहाँ पर हम लोगों ने 8 दिन पहले कमिश्नर को लेटर दिया था और आरोग्य अधिकारी को लेटर दिया था कि हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल जो कॉरपोरेशन का है, यहाँ पर स्टाफ के खिलाफ में हमारी तकरार थी, कंप्लेन। एक डॉक्टर है यहाँ पर परवीन पाटिल, वो डॉक्टर यहाँ का इंचार्ज है और उसकी जो डिग्री है वो MBBS डॉक्टर से भी नीचे का पोस्ट है, BMS है, और उसको ये यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट भी ये बात को नोट करे, ये आंदोलन, ये धरना का जो हमारा उद्देश्य है, जो मकसद है कि ये शहर की आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ, ये शहर की माँ बहनों के साथ हेल्थ से खिलवाड़ करने का काम, उनकी सेहत से खिलवाड़ करने का काम यहाँ का डिक्टेटरशिप कमिश्नर जो आज प्रशासक है, आरोग्य अधिकारी, ये तानाशाही ये शहर के साथ, ये शहर के आवाम के साथ तानाशाही कर रहे हैं। सवाल वो कौन से धर्म और जात का ये नहीं है, सवाल ये है कि मालेगांव मध्य विधानसभा और आसपास की जनता, अली अकबर हॉस्पिटल बंद होने की वजह से पूरा स्टाफ वाडिया और अली अकबर बंद होने की वजह से यहां पर आया और पूरा शहर सिर्फ एक हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड है, लाखों की आबादी हॉस्पिटल पर डिपेंड है और यहां पर गरीब आता है, गरीब आवाम आती है, गरीब मां बहने आती है, लेकिन यहां का जो इंचार्ज है वो BMS है। यह बहुत दुख की बात है, जबकि यहां पर उसके BMS के हाथ के नीचे, उनके अंडर में एक MBBS डॉक्टर होने के बावजूद उसको इंचार्ज बनाया गया और वो शख्स मालेगांव शहर की आवाम के साथ उसका जो रवैया है, यहां का एक कलर का है, वो कलर का कभी रवैया बहुत खराब यहां के सोशल लोगों के साथ, यहां के आवाम के साथ है। और रात में अगर कोई पेशेंट को इमरजेंसी
अगर नासिक या धुलिया या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है तो वो डॉक्टर अपने घर पे सोया हुआ है, सोया रहता है और उसका आदेश है जब तक मैं नहीं बोलूंगा जब तक एम्बुलेंस लेकर नहीं जाना। और अगर किसी पेशेंट की यहां मौत हो जाती, उसको उठाने जाएंगे वो उठता नहीं, उसके परमिशन के बगैर एम्बुलेंस हलती नहीं, उसके परमिशन के बगैर यहां पर कोई भी काम काज नहीं होता और उसका रवैया, ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन प्रशासन इस बात को नोट करे कि वो भेदभाव ये शहर की आवाम के साथ करता है। इसके ट्रांसफर हमने मांगा था लेकिन जो कमिश्नर डिक्टेटरशिप इस शहर में चला रहा है, जो हेल्थ आरोग्य अधिकारी डिक्टेटरशिप चला रही है, उन्होंने ट्रांसफर नहीं करते हुए हमको आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, उसको ताकीद करेंगे। यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कतई मंजूर नहीं है। हमने ऐलान किया था गेट बंद आंदोलन, आज हम गेट के बाहर खड़े रहकर आंदोलन कर रहे हैं, हमारा एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन हम ये देश के रहवासी हैं, हम सब धर्म के त्यौहार का आदर करते हैं, एहतराम करते हैं। गणपति तक अगर उस डॉक्टर की ट्रांसफर नहीं हुई तो आज हम गेट पर खड़े हैं, कल अंदर के गेट के ऊपर ताला मार दिया जाएगा और कोई भी स्टाफ को यहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। यह बात की नोट प्रशासन ने लेना चाहिए और यहां पर सीजर का मसला बहुत हो रहा है मां बहनों के साथ, जरा जरा सी बात पर बीपी हाई है प्राइवेट हॉस्पिटल, बीपी हाई है दुनिया लेकर जाओ, बीपी थोड़ी बड़ी रहती मां बहनों की बोलते सामान्य जनरल हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर जनरल हॉस्पिटल वाले दुनिया भेज देते। ये जो नाइंसाफी गरीबों के साथ, अगर सीजर है मां बहनों का, कोई बहन का तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000-40,000 रुपया लगता, कहां से लाएगी? तो यहां पर 12 घंटे और रात में और दिन में 12 घंटे रात में 12 घंटे एक एक गायनिक जो सीजर करती है, ऐसी लेडीज डॉक्टर यहां पर होना ही चाहिए, यहां पर तमाम इंतजाम होना ही चाहिए। अगर इसके बाद भी कमिश्नर ने और आरोग्य अधिकारी ने अगर हमको गणपति तक अगर ये सब चीज में बदलाव नहीं लाया तो यहां पर आंदोलन हर हाल में किया जाएगा और मां बहनों के साथ में शहर के आवाम के साथ में पूरा गेट बंद आंदोलन होगा और पूरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ये बात की नोट प्रशासन ने लेना है और लाखों की आबादी वाला शहर यहां पर सक्षम काबिल डॉक्टर्स होना चाहिए, ये बात की भी नोट कमिश्नर ने लेना चाहिए। असल में जब से बॉडी गई है, प्रशासक राज आया है, सिर्फ इतना काम बचा है कि कॉरपोरेशन को चाक लगाकर व्हील लगाकर धकेल के नासिक ले जाना सिर्फ बाकी है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। ये शहर की आवाम बहुत जागरूक है, बहुत बेदार है, हमने बहुत कमिश्नर देखे, बहुत अधिकारी शहर में देखा, किसकी दाल हम लोग गलने नहीं देते, ये शहर किसी की दाल गलने नहीं देता। आज हम सिर्फ इशारा दे रहे हैं और निषेध में ये जो ऑर्डर उनको हमको आश्वासन का दिया गया, हम इसको चलाएंगे और निषेध करेंगे, ऑर्डर हमको मंजूर नहीं और गणपति तक हम लोग टाइम देंगे, ये बात का मैं ऐलान करता हूं और
ये ऑर्डर हम लोग जला रहे सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो भैया ये जला रहे आशीष साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आशीष साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद आशीष साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आशीष साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अत्याचारी बंद करो बंद करो अत्याचारी बंद करो बंद करो आशीष साहब